दोस्तों नजदीक आइए। दोस्तों किसी ने सही कहा है, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। मैं पिछले 8 से 10 दिनों में नॉर्थ के पूर्व इलाकों में घूम रहा हूँ और पिछले 8 दिनों से एक चीज पर मेरी नजर गई है, वो बहुत ज्यादा है। एक जो छोटे छोटे किसान होते हैं या फिर दिहाड़ी पे काम करने वाले लोग होते हैं, उन्होंने एक जुगाड़ बनाया है। इस जुगाड़ के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों जैसे मैंने अभी बताया जुगाड़ के बारे में, भैया नमस्कार, मेरा नाम है धनंजय राउत, मैं हूँ महाराष्ट्र लातूर से आया हूँ, कई सारे जगहों पे घूमते रहता हूँ, ये आपका मुझे जुगाड़ बहुत अच्छा लगाया। पहले हमारे लोगों को, हमारे दर्शकों को आपका नाम बताइए, क्या नाम है आपका? सलाउद्दीन मुद्दुल। सलाउद्दीन मुद्दुल, भैया ये कब से चला रहे हैं आप? ये 10 वर्ष से चला रहा है। 10 साल से चला रहे हैं, अच्छा। और ये जो अपने जो ये क्या कहते हैं इसको, आप ट्रॉली कहते हो, मशीन कहते हो, यंत्र क्या कहते हो इसको, क्या चीज़ बोलते हैं, इसका नाम क्या है? इंजन वैन है। इंजन वैन बनाया है इन्होंने, ये भैया ने इंजन वैन बनाया है और ये इंजन वैन से ये सब जगह लोडिंग का काम करते हैं। जैसे नर्सरी का पौधा ढोना है उसका भी काम करते हैं, ये जो है जो किसानों के खेत से धान हो या कोई भी चीज़ हो उसके लिए काम करते हैं। भैया ये कितने रुपए का लिया है आपने? ये तुम्हारा 50,000 में लिया है। 10 साल पहले इन्होंने ये गाड़ी खरीदी है, ये मात्र 50,000 में लिया है। और इससे दिन भर का कमाई कितना होता है आपका? 500 रुपये। 500,000 रुपये, कम ज़्यादा इससे 500 से 1,000 रुपया होता है। और इसमें हमने दो दिखी है अभी, ये जो है इंजन वाली गाड़ी देखी है हमने, इसमें चार्जिंग वाली भी देखी है, बैटरी वाली भी देखी है। इसको डीजल कितना लगता होगा दिन भर में आपको? 2 लीटर मानो 90-95 का भी रेट पकड़ लेते हैं, 95 रुपीज पर लीटर का डीजल है आज हमारे यहाँ पे, उसके हिसाब से भी देखते हैं तो ये 9 × 18 यानी 190 रुपये का खर्चा आता है भैया, 500 से 1,000 रुपये कम आते हैं। तो जो आदमी इतना नॉलेज, आपका एजुकेशन क्या हुआ है वो मैं पूछा नहीं आपको, पढ़ाई कहाँ तक की हो आप? अच्छा, 3 स्टैंडर्ड तक भैया पढ़े हैं, वाह चलो बढ़िया है। और इसको और एक पूछना था, इसको चलाने के लिए कोई लाइसेंस लगता है? नहीं, कोई लाइसेंस नहीं लगता है। और ये गांव में, अभी शहर में जाते हैं इसको लेके? शहर में भी जाता है तो अच्छी बात है, इसको लाइसेंस नहीं लगता है। कम पढ़े लिखे भी हैं, आपके पास चलाने का नॉलेज होना चाहिए तो ये बढ़िया बन सकता है। दोस्तों ऐसी नई नई चीजें लेकर मैं जल्द ही आपके साथ आऊंगा, तब तक के लिए मैं धनंजय राउत अंकुर हाईटेक फार्मिंग से, धन्यवाद, राम राम, जय हिंद, जय भारत।